चलिए बोलिए। ये हैं राकेश जी, जो कि यहाँ पर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जो बिहार में पड़ता है। ये एक अच्छे किसान के साथ साथ एक अच्छी कंपनी में क्षेत्रीय अधिकारी भी हैं, जिससे कि इनको यहाँ के पूर्णिया बिहार के जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पे जितनी फसलें होती हैं उनका, और जैसे किसान उसको करते हैं उन फसलों को, वो सबको इनको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है, इसलिए आज इनका हम इस अद्वैत कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। राकेश जी, अभी इस समय बताइए कि कौन कौन सी फसलें अभी पूर्ण रूप से चल रही हैं आपके एरिया में, जो अभी लगी हुई हैं। अभी मैं फसल मक्का लगा हुआ है हमारे एरिया में। गेहूँ लगा था वो कटने के लिए तैयार है, कट गया और कट रहा है ये। और सरसों भी लगा था, सरसों भी कट गया। और दाल में अभी लगा हुआ है मसूर मटर, वो भी उखड़ रहा है। प्रमुख रूप से अभी जो खड़ी फसलों की बात की जाए तो उसमें मक्का लगा हुआ है, जी बाकी सब जो है किसान खेतों में जुटे हुए हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और प्रमुख फसलें जो आपके यहाँ हैं वो प्रमुख कौन? फसल दो ही है यहाँ पे, अच्छा, एक धान दूसरा मक्का। धान मक्का के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं, जो किसान जिसमें रुचि रखते हैं थोड़ा लगाने की? धान और मक्का वाले गेहूँ लगाते हैं खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए अधिकतर लगा लेते हैं। सरसों लगा लेते हैं, पाट भी लगाते हैं। पाट को आपका मतलब कमर्शियल बेचते हो? हाँ, पाट तो बेचते हैं वो संती के लोग, बनावट के लोग, कभी संती के लोग होता है। हाँ, उसके लोग एक पर्व में काम आता है, दीपावली संती पर्व में। किस पर्व में? दीपावली में काम आता है। दीपावली में संती का प्रमुख उपयोग है, तो दीपावली तक जो है ये जूट आपका जो होता है तैयार होता है, तैयार हो जाता है। सब्जी की बात किया आपके यहाँ पूर्णिया के कुछ भागों में सब्जी भी प्रमुख रूप से उगाई जा रहा है, बहुत सब्जी होता है। कौन कौन सा सब्जी है? गोभी मेन हुआ, गोभी क्या बंधा भी हो जाता है, टमाटर भी हल्का फुल्का लगता है, भिंडी लगता है, कद्दू लगता है, करेला लगता है, खीरा लगता है, ये सब थोड़ा मात्रा में मिर्ची लगता है। मतलब जो यहाँ का मार्केट है यहाँ से बाहर भी जाता है क्या ये सब? जैसे मिर्ची हुआ, करेला हुआ, ये सब केवल पूर्णिया मार्केट के हिसाब से मार्केट के गुलाब बाग जाता है, मंडी में जाता है, तुलसी बाग मंडी है वहाँ पे जाता है सब्जी, वहाँ से बाहर बिकता है, वहाँ से ही बाहर जाता है मार्केट। और यहाँ पे कमर्शियल खेती की बात किया है, जैसे व्यवसाय खेती की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर देखते हैं कुछ किसान केला भी लगाता है कुछ जगह। केला लगता है वो ऊंचा फूलों का, उसमें केला लगता है। अच्छा, केला केला मेन फसल नहीं हुआ, वो तो जिनके पास पूंजी रहता है वो केला करता है। केला में बहुत पैसा लगता है, 1 एकड़ में 1.5 किलो लगता है। उसमें केला में तो वो भी है कि मुनाफा ज्यादा होता है? हाँ, मुनाफा वो ज्यादा होता है। केला तो एक वार्षिक बहुत है, 1 साल का खेती होता है, बहुत रिक्स करते हैं, ज्यादा रिक्स है। या बताइए सर, मक्का धान बोले या तो फसल है, मक्का किस प्रकार से आप किसान करते हैं? मतलब शुरू से बीज गिराने से लेकर काटने तक जो जो प्रक्रिया होती है? मैं पहले तो जुताई करते हैं खेत, 5 से 6 बार जुताई, 5 से 6 बार जुताई। उसके बाद तो जुताई करने के बाद किसी फिर तैयारी होता है, उसके पहले भी डालते हैं जो उसके साथ को 4 किलो 6 किलो जो होता है डालता है पर एकड़ खाद। उसमें फर्टिलाइजर DAP 5 किलो पर कट्ठा डालते हैं, पर कट्ठा अगर एकड़ की बात करें तो 125 से 120 किलो। अच्छा, मतलब एकड़ डीएपी करीब ही 2 से 3 हो रहा है। हाँ, 2.5 बोरा नहीं है, 2.5 से 3 हो रहा है ना, वो तो डीएपी हो गया, उसके साथ पोटाश भी लगता है, यूरिया भी को डालता है, सब मिला के लगभग 5 से 5 किलो डीएपी हो गया। 1 किलो मैंने यूरिया मान लीजिए, 1 किलो मैंने पोटाश मान लीजिए। हम एकड़ में जाएंगे, अगर एकड़ की बात करेंगे तो एकड़ में हो गया कि 3 बोरा DAP हो गया, 5 किलो हिसाब से 3 बोरा DAP हो गया, 2.5 बोरा DAP, 2.5 बोरा DAP हो गया, 1 बोरा पोटाश दोनों मिला के, तो ये पोटाश मिला के 1 बोरा 1 बोरा। ये आपने बताया कि बिजाई से पहले, बिजाई से पहले और बिजाई करते समय बिजाई है जैसे उसको रोक देना, उसके बाद फिर 24 घंटा अंदर में कोई कीटनाशक दवाई ना रहे, तो खरपतवार नाशक दवाई। अच्छा, खरपतवार नाशक जो हर्बिसाइड डालते हैं वो डालते हैं। उसके बाद 22 दिन में अगर नमी नहीं रहता सिंचाई करते हैं, उस समय खाद देते हैं कि नहीं? उस समय 45 दिन में सिंचाई करते हैं, खाद
कितने बार पानी देता हुआ है एक मक्का लगभग 4 बार तो मिनिमम पानी पड़ जाता है 4 बार पानी कोई 5 ही डाल देता है जैसा इसको सुना है एवरेज वाले 4 मारा है। आइए मक्का आपका कब से लगाया जाता है और कब तक था मक्का अक्टूबर के बाद लगाना चालू हो जाता है अक्टूबर के बाद से किसान तो हर बार लगाता है पहले अक्टूबर पहले भी मिल जाता है वो ही लगा देता है और वाजिब सरकार का द्वारा है 15 अक्टूबर के बाद ही लगा देता है 15 अक्टूबर के बाद ही बीज मिलता है 15 अक्टूबर से लगाते हैं और फिर नवंबर दिसंबर तक होंगे तो मार्च तक लगता है मतलब मार्च का लगता है जो अगर आलू लगा दिया पहले खेत में वो आलू उखाड़ के लगाता है उनका वो आदमी गेहूँ काट के भी पक्का लगाता है वो कम दिन का रहता हुआ है कम दिन का जब भी मिलता होता है यहाँ पे अगर बात करें तो रबी में जो मक्का लगाया होता है फसल है और धान में क्या है धान जो हम लोग किसान कब लगाते हैं धान तो प्राय लगे नहीं करते कब लगाते हैं कैसे धान तो ये लगाता है लगना चालू रहता है जून से पहले अगर कैसे उसमें किसान जैसे आपने मक्का में बताया मैं कैसे उसमें भी वही होता है बिचड़ा गिराने के वो भी वैरायटी अगर जो लगाएगा गेंदा वैरायटी तो उसको 25 दिन में तोड़ता है आगे फिर जो गिराएगा वो 18-20 दिन में लगा देगा छोटा धान में जैसे लगाना है पहले उसके तैयार करना पड़ता है पहले बिचड़ा तो गिरा दिया बिचड़ा तैयार किया फिर तैयार करके कादो करना पड़ता है उसमें भी खाद खादी उसी समय खाद उस दे दिया जाता है धान में पानी तो 25 दिन के बाद ये गाछ तो लगे जाता है और 25-30 दिन के बाद उसको सूखा छोड़ देते हैं सूखा रहने के बाद बीज जाने पड़ता है अगर उसमें पानी दे दिया जाए तुरंत पानी जो है धान में रोपाई के बाद रोपाई के बाद आप दे सकते हैं महीना कटर डाल सकते हैं पानी 15-20 दिन पानी नहीं डालना है क्योंकि बरसात होता रहता है तो पानी जो है अगर बरसात नहीं होता तो फसल में तो पानी देना है और मेन जरूरी धान में होता है जब छोटी अवस्था हो जाता है हाँ उस समय पानी की जरूरत यहाँ पे कीटनाशक का या खरपतवार नाशक का किस तरह से किसान प्रयोग करते हैं और करते हैं या नहीं करते हैं करते हैं धान में भी करते हैं खरपतवार नाशक का रोपने के वक्त ही डाल देते हैं खेत में उसे जंगल काटने के लिए करता है कीटनाशक वगैरह जैसा जैसा बीमारी लगता है उस तरह कीटनाशक कीटनाशक जो है बीमारी लगने के बाद उपयोग करते हैं पहले पहले नहीं करते पहले कुछ लोग नहीं करते चाहे वो मक्का में हो या धान में यदि कोई कोई जो किसान है तो कर लेते हैं उसका पराया नहीं करते उसका कितना परसेंट जो प्राय जो एक्टिव किसान है कितना कितना 10% 15% इसके लगने नहीं करते दवाई लगने के बाद ही करते आपका भी इस खेती कैसा लग रहा है आपको क्या इस बार तो मक्का लगा रहे हैं मक्का कई कर लिया मैं मक्का कब लगाया था लगाया थे 17 अक्टूबर को तो 17 अक्टूबर को आपने मक्का लगाए थे आपके साथ मतलब आपका वो तो दाना नहीं आया उसका क्या कारण आप मानते हैं ठंड के कारण लोग सब करता है ठंड के कारण होता है किस टाइम पर कैसा फल या इस समय फलावट इसलिए होता है उस समय अगर ठंड अगर 7-10 डिग्री से कम हो जाएगा उस समय होता था पॉलिनेशन प्रक्रिया नहीं हो पाना रहता है परागण नहीं बनता है अभी आपके हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसी प्रमुख फसल अगर बता रहे हैं मक्का है वो उसमें मक्का में दाना नहीं है किसान तो बहुत दुखी और आत्महत्या कर रहा होगा किस तरीके से क्या या माहौल है उसका माहौल तो गड़बड़ है किसान का सबका कहना है बीज गड़बड़ है बीज गड़बड़ है पर ये आप चीज नहीं है क्योंकि वही बीज के बाद में लगाए तो सक्सेस हो गया मुद्दा सुना लिया कृषि वैज्ञानिक का ये मानना है किसान को तो बहुत सारा चीज नहीं समझ में आता है लेकिन कृषि वैज्ञानिक मानना नहीं हो सकती है यहाँ पे 10 से
पहले जितना भी लगाया था वो सारा हो गया। तो ये कब तक का जो लगाया हुआ मक्का है, 15 से ये आपका लगभग नवंबर 10 नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 10 नवंबर वाला जितना भी लगा है आपने क्या पराया, तो 10 अक्टूबर जो 10 नवंबर तो 12 नवंबर है उसमें कुछ कम है, कुछ दाना है, पर जो अक्टूबर लगा है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक उसमें दाना ही। अच्छा तो आप जैसे ये बता रहे हैं तो आप इसमें आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, आप किस तरह से सरकार क्या कदम उठा रही है, अभी कुछ काम चल रहा है उसके सर्वे हो रहा है हमारे साथ आज के उपस्थित थे राकेश सिंह, ये यहाँ के उन किसान में से एक है तथा यहाँ पे क्षेत्रीय अधिकारी भी थे, सामने पहले बताया। इसका कहना है कि बहुत सारा चीज जो है यहाँ पर सही से नहीं हो पाता है, किसान को उतना ज्ञान नहीं है, उतना जानकारी नहीं है, इस अभाव में मृदा का जो है यहाँ पर कोई जांच नहीं होता है, किसान अपने हिसाब से अपने विवेक से जो कर सकता है करता है। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बहुत कम है, बीजों की बात की जाए तो बीज में भी किसान जो है अभी तक पुराने बीज ही लगा रहा है, जो नए वैरायटी के बीज नए नए संशोधित बीज मार्केट में उपलब्ध हैं वो कम यूज करते हैं क्योंकि पैसा का थोड़ा सा समस्या रहता है। और यहाँ पे किसान जो है मक्का प्रमुख रूप से उपजाते हैं, मक्का उनका कैश क्रॉप जिसको बोल सकते हैं, व्यवसाय क्रॉप की तरह है, उसी पे सारा घर का खर्चा या जो भी कार्यक्रम सुनते होते हैं किसानों के, वो कार्यक्रम वगैरह सब मक्का की खेती पर ही निर्भर करते हैं। खाद की बात की जाए तो मक्का में राकेश जी के अनुसार एवरेज किसान है वो 3 बोरा DAP 1 बोरा यूरिया देते हैं प्रथम बार में। दूसरी बार में जो है मिट्टी चढ़ाते टाइम फिर से एक बार यूरिया देते हैं 1 एकड़ में 50 kg, और लावरिंग स्टेज पे पानी देना ज्यादा जरूर समझते हैं, आने पीछे पानी दे अथवा ना। धान में जो बीज गिराते हैं उसके 25 दिन बाद रोपा करते हैं, रोपा करते समय खरपतवार बहुत सारे किसान डालते हैं लेकिन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं। यहाँ पे प्रमुख फसलें दो ही है, मक्का और धान। कुछ किसान जो कम जिनके पास खेती है, जो लो एकरेज के किसान है, वो सब्जी की फसलें उगाते हैं, बाकी बहुत सारा किसान जो है केवल दो ही फसल उगाते हैं। सब्जी जो है सब्जी यहाँ से बाहर भी जाता है, कुछ किसान केला भी उगाते हैं। यहाँ की दोनों फसलों में अगर हम जाएं, सबको चाहे वो अनाज की फसलें हों, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, तो उसमें प्रमुख रूप से आता है आपका ले सकते हैं धान, गेहूँ, मक्का, सब्जी में मिर्च, करेला, कद्दू, थोड़ा बहुत टमाटर, खीरा लगता है। उसके बाद कहीं कुछ भागों में सरसों और केले की भी खेती की जाती है। यहाँ का जो वातावरण है उसमें रबी में मक्का ज्यादा